हाय दोस्तों, मैं सोनू नारायण, वर्क एट इंडियन रेलवे। मैं बंगलोर डिवीज़न में दीवानगुंजी रेलवे स्टेशन पर कार्यरत हूँ। और मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो देते हैं, जिसमें मेरे एक टीचर हैं इसके जहाँ सर पटना, उनका अहम योगदान है। मैं उनके यहाँ पढ़ा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। आज मैं जो भी हूँ इस स्टेशन पर कार्यरत हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और मैं जो भी हूँ उस सर के बदौलत हूँ। उसके यहाँ मैंने साइंस पढ़ा और न्यूमेरिकल भी पढ़े। और आप लोग को एक बात बता देते हैं, वो एक ट्रेड भी कि मैंने कहा जाए तो बिहार के नंबर वन टीचर हैं। और मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि हर एक टीचर पढ़ाते हैं, सभी लोग बताते हैं कि कोई टीचर है कि कार्य का ऐसे मात्रक जूल, हर एक यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे। लेकिन यदि एक स्टूडेंट कार्य का ऐसे मात्रक जूल मार के आता है और कोई एक स्टूडेंट उस जगह पर न्यूमेरिकल बनाता है, तो जो कार्य का ऐसे ही मात्रक होता है उसको 0.5 नंबर मिलेगा, और जो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो टॉप लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं, उसको समझिए कि आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। लोग कितना लोग बोलते हैं कि नॉर्मलाइज कैसे हो जाता है, नॉर्मलाइज इतना किसी का 2 नंबर बढ़ता है, किसी का 12 नंबर बढ़ जाता है, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को हल्का लेवल को बढ़ा के पढ़िए। और RRB NTPC है, ग्रुप डी है, लगभग टोटल 140,000 प्लस वैकेंसी है। आप लोग इसमें जोश और जज्बा से लगिए। और मैं आप लोग को एक सलाह देता हूँ कि यदि क्वेश्चन में नॉर्मलाइज को भगाना है तो आप लोग SK झा सर से जुड़िए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे जुड़िए, उनसे बहुत कुछ सीखिए। आज मैं बोला, पहले ही बता चुके हैं कि मैं जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। और एक बात ठान लीजिए कि हमें कुछ करना है, और कुछ करने के लिए आप लोग SK झा सर से जुड़िए। और उसके बाद हमें भी बोलिएगा, ज़रूर कमेंट, ये वीडियो अपलोड होगा झा सर के तहत, और आप लोग ज़रूर कमेंट में देखिएगा कि हाँ, वो आपके लिए एक परफेक्ट टीचर हैं कि नहीं। आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि हाँ भैया, एक परफेक्ट टीचर हैं। आज देखिए, क्वेश्चन के आज का लेवल जो है 70 और 71 का आप लोग सुनोगे, 70-71 का चक्कर। कोई स्टूडेंट होता है 70 नंबर आता है, कोई का 71 होता है वो पास हो जाता है। तो 70 मारने वाले मॉडरेट सभी होते हैं, लेकिन 71 करने वाले कौन हैं? बहुत कम स्टूडेंट थे। इसलिए आप लोग जहाँ से जुड़िए, न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए, और न्यूमेरिकल ज़्यादा आप लोग टॉप लेवल का भी नहीं, सर जो जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़िए। हमें बिलीव है कि वो एक ऐसे शख्स इंसान है जो आपके बिना को पार कर देते हैं। और हम तो उनका तुलना भगवान के 10वें अवतार के रूप में मानते हैं, जो एक कितने गरीबों को, यानी हम लोग जैसे भी गरीब कितने लोग पार हो गए। और आज आप लोग, ये मेरा स्टेशन दिखाई दे रहा है, जो भी है ये SK झा सर के बदौलत हैं, मैं आज जो भी हूँ, और सब सर के बदौलत हैं। और आप लोग भी, आप अपने मम्मी पापा की एक आस लगाए हुए हैं, आपकी मम्मी पापा भी आस लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा कब सफल होगा। और सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग सर से जुड़िए और सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और ये जो 145,000 वैकेंसी है, इसमें आप नेक्स्ट सीट सुनिश्चित करें और अपने मम्मी पापा को, शान को बनाए रखिए, उनको एक समाज में अलग इज्जत दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए। बस इतना ही कहेंगे, और इसके जहाँ सर से जुड़िए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, एक साइंस क्या होता है, एक साइंस का क्या महत्व होता है। और आज के भी जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ पे फोकस कीजिए, रीजनिंग पे फोकस कीजिए, तब कहीं जाके सफलता मिलेगी। और साइंस में वैसे क्वेश्चन को हल कीजिए जिससे आपके क्वेश्चन को नॉर्मलाइज हो, क्वेश्चन आपका बढ़े, नॉर्मलाइज में क्वेश्चन बढ़े। नॉर्मलाइज में क्वेश्चन कब पढ़ेगा? जब एक हार्ड आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना बढ़ेगा। तो एक हार्ड क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। और
उसमें भी हार्ड नहीं, जितना सर बताते हैं उतना पढ़िए, हम गारंटी देते हैं कि आप यदि उसको फॉलो करते हैं तो जैसे मैं फॉलो करके सक्सेस हुआ हूँ वैसे आप लोग भी एक दिन सक्सेस होइएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। इसलिए सर से जुड़िए और उस चैनल से जुड़िए और अपने मम्मी पापा को एक अच्छा इमेज दीजिए, अपना भी एक अच्छा पहचान दीजिए। बस इतना हूँ कहेंगे, लगो मेरे भाइयों और ज़ोर शोर से लगो जिंदगी को। बस एक बार फिर से बोलेंगे कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से पढ़ने लड़ना पड़ता है। लव यू मेरे भाई, सभी लोग लगिए, अपने मम्मी पापा को एक अच्छा इमेज दीजिए, बस यही कहेंगे। और हाथ जोड़ के निहोरा कर रहे हैं कि सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उनसे जुड़िए, उनसे सीखिए और मम्मी पापा को अपने एक समाज में नया पहचान, नया इज्जत दीजिए। धन्यवाद मेरे भाइयों।